और उनके जो फ्रिंज एलिमेंट दुर्गा वाहिनी है और जो भी है वो एक वायलेंस अनलिश करता है कैंपस के अंदर। वो कैंपस में जो यूनियन रूम है और बाकी जो जगह है उसको जला देते हैं, वहाँ पे एसिड बम बल्ब यूज करते हैं। किस तरीके से जो मिनिस्टर है बाबुल सुप्रियो बीजेपी का, वो वहाँ पे कैंपस के अंदर जाता है, जो महिलाएं रहते हैं उनको स्लट शेमिंग करता है, कास्टिस्ट वहाँ पे स्लर्स देते हैं और बार बार थ्रेटन करते हैं स्टूडेंट्स को। बार बार जहाँ पे स्टूडेंट्स एक ह्यूमन चेन वहाँ पे बना के खड़े रहते, एक पीसफुल तरीके से अपना बात रख रहे थे, वहाँ पे बाबुल सुप्रियो जो आता है और बार बार कोशिश करता है कि वहाँ पे प्रोवोकेशन करे। और सिर्फ प्रोवोकेशन ही नहीं किया गया, वहाँ पे ऐसा एक माहौल पैदा किया गया जहाँ पे स्टूडेंट्स को वहाँ पे पीटा गया, बुरे तरीके से, बेरहमी तरीके से उनको मारा गया। और उसके बाद वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट थे जो अभी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है। कई स्टूडेंट्स को बाबुल सुप्रियो ने खुद पीटा है, वहाँ पे धक्का दिया है। और एक मिनिस्टर होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने अपना गुंडागर्दी पहले भी खुलेआम दिखाया है और कल एक एजुकेशनल स्पेस में दिखाया है, इसको हम जेएनयू की तरफ से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बादशाह की तरफ से अपनी बात रखना चाहूँगी, जैसा बहुत सारे हमारे जो जेएनयू के लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी, मैं बात रखना चाहूँगी कि कैसा हम एक देख रहे हैं, जिस जब से बीजेपी सरकार में आया है तब से निरंतर हर एक मार्जिनल कम्युनिटी पे और उस तबके पे अटैक किया जाए, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे जितना भी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे BHE हो, HCO हो, चाहे अब जादवपुर हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे स्टूडेंट्स पे अटैक किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि ये पढ़ाई पर अटैक है, ये हमारी उस अधिकार पे अटैक है जिससे हम बोलना सीख रहे हैं, जिससे हम प्रोटेस्ट करना सीख रहे हैं। जब हम अपना इतिहास देखते हैं और मनुस्मृति के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कैसे इन लोगों ने कितने लोगों से अत्याचार किया और कैसे 2000-2500 साल से जो लड़ाई चलती आ रही है, कैसे हमारे लोगों ने उनको तब भी रेसिस्ट किया था, हम आज भी रेसिस्ट करेंगे। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो इन फासी सरकार से, चाहे वो मनुस्मृति का टाइम था, चाहे आज का टाइम है, चाहे RSS हो, BJP हो, चाहे दुर्गा वहिनी हो, चाहे कैसे भी इनका विंग हो, जो भी ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच विचारधारा के साथ भारत में आएगा और लड़ाई करेगा और हमारे जो मार्जिनल तबके के लोग हैं उन पे अटैक करेगा, उसी के रेजिस्ट में हम खड़े रहेंगे। पूरी स्टूडेंट यूनिटी, सारे लोग जो माइनॉरिटी से आते हैं, सारे वो लोग जो ऑपरेशन सहे हैं, सारे वो जो लोग जो ऑपरेस रहे हैं, वो ऑपरेस यूनिटी का नारा जब हम देते हैं, वो ऑपरेस लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और जब जब ABVP जैसे गुंडागर्दी के जो लोग हैं, ये जब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई ना करने के बाद गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को मारते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं, तो मैं इनको कहना चाहूँगी कि इनकी सरकार गौशाला खोल रही है, इनकी जो यूनिवर्सिटी में नहीं गौशाला में है, सारे ABVP को गौशाला में चले जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है, डिबेट किया जाता है, डिसेंट किया जाता है, यहाँ पे आपको भारत माता की जय नहीं सिखाया जाता है। हम जब जय भीम का नारा लगाते हैं, वो नारा है उन सभी अत्याचारों के लिए, और वो नारा तब से शुरू हुआ था जब से ये संविधान बना है। इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, और उस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमें जितना भी डिसेंट करना पड़े, जितना भी रेसिस्ट करना पड़े, हम करेंगे। और ये लार्जर यूनिटी की बात जैसे और लोगों ने बोला है, हमें बहुत ज़रूरत है समझने की कि ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग क्या करना चाहते हैं। ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में ना ही माइनॉरिटीज़ हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में ना ही महिलाएँ हैं, जिस हिंदू राष्ट्र में ना ही कश्मीरीज हैं, ना ही कोई भी ऑपरेस कम्युनिटी का इंसान है, ना ही कोई सेक्शुअल कम्युनिटी का इंसान, को सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ का जो इंसान है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितनी ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच के जो लोग हैं जो अटैक करते आ रहे हैं, हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं, तो हमको इनके लिए पुरजोर जवाब देना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा तब तक जब तक इन लोगों को समझ ना आ जाए कि हमारी यूनिटी इनकी जो गुंडागर्दी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं आगे एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे हमने JNU में देखा निरंतर ABVP का जो रवैया रहा है, ये मारते हैं लोगों को, फिर ये अपने आप को विक्टिम चाहते हैं, इनको लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब JNU SU में जब इलेक्शन हो रहा था, JNU इलेक्शन हो रहा था, तब भी इन्होंने एक हमारे साथी को मारा, हमारे जो साथी SFI से थे उनको मारा, तो हम कंडेम करना चाहेंगे कि हर एक एक्ट को। और मेरा एक प्रुजोर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को आना चाहिए, इन लोगों को हर एक बार तमाचा मारना चाहिए अपने डिसेंट, अपने प्रोटेस्ट के द्वारा, कि आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी स्पेस में कोई जगह नहीं है, और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का इस पूरे देश में भी जगह नहीं है। हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपसे हमको भारत माता की जय बोल के हमें नहीं बताना कि हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं है। हम जानते हैं जैसे आप लोग जुल्म करते हैं, जाति करते हैं, जो ये लड़ाई है हमारी वो नई नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुराने समय से शुरू हुई थी, जब से मनुस्मृति बना था तब से लोग लड़ते हैं और आज तक लड़ते रहेंगे। तो RSS, BJP, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनका कोई भी फासिस्ट नेता हो, उन सब के खिलाफ हमारी लड़ाई जिंदा रहेगी। और इसी के साथ जय भीम हुलजा।